हेलो दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम सब बादाम तो खाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको एगलेस बादाम केक बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको आज बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, उसमें मैं डालूंगी आधा कप ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी आधा कप पाउडर शुगर। साथ ही में 100 ग्राम कंडेंस मिल्क लेंगे। कंडेंस मिल्क से केक बहुत अच्छा बनता है। इन तीनों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं एक छननी लूंगी, उसमें मैं डालूंगी एक कटोरी मैदा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इन तीनों को अच्छे से हम छान लेंगे और मिक्स कर देंगे। छान लेने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और साथ ही में मैं डालूंगी बादाम का पाउडर। ये मैंने बादाम को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। ये आधा कटोरी मैंने पिसे हुए बादाम का पाउडर लिया है, इसे भी साथ में मिक्स कर देंगे। और एक गिलास दूध लेंगे, इसे धीरे धीरे करके हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बादाम का एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन बादाम के पाउडर से स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं डालूंगी एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, इससे स्वाद केक का बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और कटे हुए 10-12 बादाम। कॉफ़ी पाउडर से कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा केक का। और साथ ही में एक चम्मच वनीला सेंस। आप चाहें तो वनीला सेंस इसमें ना भी डालें, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बीट करेंगे, लेकिन हम इसे ओवर बीट नहीं करेंगे। ये देखिए, अब सब कुछ जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम केक टिन लेंगे और बेकिंग पेपर, उसी शेप में कटा हुआ, उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। ग्रीस करने के बाद अब मैं इसमें बैटर डाल दूंगी। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो केक है बाद में डीमोल्ड करना आसान हो जाता है। हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अब मैं इसको टैप कर दूंगी ताकि ये केक जो है अच्छा बने और ये बैटर जो है एक सा रहे। मैं ये केक कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें रखेंगे हम अपना स्टैंड और इसे प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें केक टिन रख देंगे। अब हम इसे लो गैस पे 35-40 मिनट्स पकाएंगे। जब तक केक बनके तैयार होता है, तब तक हम फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। केक को सजाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप क्रीम ली है, चिल्ड क्रीम। अब हम इसे बीट करेंगे और व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम इसे बीट करेंगे हाई स्पीड पे। ये देखिए, क्रीम जो है नीचे नहीं गिर रही, मतलब कि हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। 40 मिनट्स बाद हम खोलेंगे और चेक करेंगे टूथपिक की हेल्प से कि कहीं हमारा केक कच्चा तो नहीं है। ये देखिए, टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर आई है, मतलब कि ये केक बन चुका है। अब हम इसे बहुत ही ध्यान से निकालेंगे क्योंकि कढ़ाई जो है गर्म है। ये देखिए, कितना ही अच्छा केक बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। केक ठंडा होने के बाद अब हम इसे नाइफ से निकालेंगे। केक स्टैंड पे हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, बटर पेपर को हटा देंगे।
अब हम इस पे क्रीम लगाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। आप चाहें तो इसमें कोई फ्लेवर और कलर भी ऐड कर सकते हैं क्रीम में, मैं इसे ऐसे ही लगा रही हूँ। हम इस केक को बिना फ्रॉस्टिंग के भी खा सकते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्रीम जो है लग चुकी है, अब मैं इस पे लगाऊंगी कटे हुए बादाम। साइड पे हम बादाम लगा देंगे। बादाम लगाने के बाद जो हमने क्रीम बैग में भरी थी उससे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी है, ये देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा सुंदर बन रहा है। नीचे भी हम थोड़े से डिज़ाइन बना देंगे, ये देखिए। अब मैं थोड़ी सी शुगर कैंडीज जो हैं इसके ऊपर लगा दूंगी, ये देखिए। मार्केट में बहुत ही तरह की शुगर कैंडीज आती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आखिर में थोड़े से बादाम हम ऊपर से लगा देंगे। बादाम लगाने के बाद हमारा केक जो है रेडी हो जाएगा। ये देखिए केक जो है वो रेडी है। तो देखा दोस्तों आपने, बिना ओवन के हमने कितना ही अच्छा केक घर पे तैयार कर लिया। ऐसे बहुत सारे केक्स की रेसिपी मेरे चैनल पे आती रहेगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल पे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।